हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू विन चेडा। मैं गंगा, आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ हमारा जो वर्शन है 8.1 विन ट्रेडर का, कैसे हमें फोरेक्स ट्रेडिंग में सपोर्ट करते हैं। तो इसमें ऑल मेजर फिनेंशियल मार्केट हमारे सॉफ्टवेयर में सपोर्ट करते हैं, एंड स्पेशली फोरेक्स में आपका लाइव अकाउंट होगा तो वो लाइव अकाउंट के अंदर हम सेम सॉफ्टवेयर आपको डायरेक्ट कॉन्फिगर करके दे सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ फोरेक्स में कैसे हमारा सॉफ्टवेयर सिग्नल देते हैं, एंड कंफर्मेशन चेक करने के बाद कैसे हम ट्रेड लेते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसके लिए मैंने अभी जो पेयर ओपन किया है GBP USD है, एंड टाइम फ्रेम मैंने सेलेक्ट किया है 1 आवर है, क्योंकि नॉर्मली आपको पता है कि फोरेक्स में काफ़ी फ्लक्चुएशन होते हैं, तो छोटा टाइम फ्रेम है ना तो काफ़ी रिस्की होगा, तो वी आर प्रिफरिंग हायर टाइम फ्रेम, लाइक आप 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर भी यूज़ कर सकते हैं, एंड 15 मिनट भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी यहाँ पे ओपन किया है ना, वो 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर यहाँ पे जो डैशबोर्ड है वहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा है वो रियल टाइम मार्केट वैल्यू है, एंड इसमें ये जो ग्रीन कलर की अप एरो जो है ना वो बाय करने का सिग्नल है, रेड डाउन एरो सेल सिग्नल है। सिग्नल दोनों ऑटोमेटिक है, सिग्नल आते टाइम पे आपकी स्क्रीन में इसी तरीके का अलर्ट मैसेज आएगा, एक पॉपअप मैसेज आएगा, वो भी एक साउंड इफेक्ट के साथ। तो आपकी स्क्रीन में इसी तरह के अलर्ट मैसेज आएगा, वो भी एक साउंड इफेक्ट के साथ। इसके अंदर लिखा हुआ आ जाएगा क्या रेट पे हमें बाई करना है, क्या रेट पे सेल करना, वो प्राइस हमें मिलेगा। लेकिन इस पर हम ट्रेड करने से पहले हमें इसका कंफर्मेशन चेक करना होगा, मींस हर सिग्नल पे आपको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। तो कंफर्मेशन चेक करके हमने ट्रेड लिया तो वो सिग्नल पे 80-90% एक्यूरेसी डेफिनेटली आपको मिलेगा। तो कंफर्मेशन कैसे चेक करते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट आपको एरो के लिए वेट करना होगा, क्योंकि एरो के हिसाब से आपको कंफर्मेशन चेक करना होगा। अगर एक सेल सिग्नल मिलेगा तो फर्स्ट कंफर्मेशन आप सीधे नीचे देखिए, प्राइस यहाँ पे इसी तरह सेल्स ऑन करके दिखाना चाहिए, वो फर्स्ट कंफर्मेशन है। सेल सिग्नल आने के बाद फर्स्ट कंफर्मेशन नीचे प्राइस सेल्स ऑन करके लिखा हुआ आ जाएगा। सेकंड कंफर्मेशन आप देखिए, एरो के नीचे जो बार है ना वो हमारा कंफर्मेशन बार है, वो बार का कलर रेड आना चाहिए। तो काफ़ी सिंपल है ना, फर्स्ट हमें एरो के लिए वेट करना होगा, सिग्नल आने के बाद आपको कंफर्मेशन चेक करना है। कंफर्मेशन आपको चेक करना हो कैसे होगा, ये एरो आना चाहिए, एरो आने के बाद आपको देखना होगा प्राइस सेल्स ऑन में आना ही चाहिए। सेकंड कंफर्मेशन एरो के नीचे जो बार है ना पट्टी जैसा, उसका कलर रेड आना चाहिए। तो ओनली दो ही कंफर्मेशन चाहिए, ये दो कंडीशन ओके होगा तो डायरेक्ट हम ब्रोकर के प्लेटफॉर्म में डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हैं। तो नीचे देखिए आप, स्टॉप लॉस नीचे आ जाएगा, वो भी ट्रेलिंग है। बाजू में देखिए आप, टारगेट 1, टारगेट 2 एंड टारगेट 3, इसी तरह 3 टारगेट लेवल्स भी आएगा। तो ये आप एक्चुअली आप देख सकते हैं सेल सिग्नल कंटिन्यू, काफ़ी मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू, इसलिए वो सिग्नल भी कंटिन्यू करके आ रहा है। तो यहाँ पे तो हमें डेफिनेटली हमारा टारगेट भी अचीव होने के बाद ही ये सिग्नल कंटिन्यू चल रहा है, तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर री एंट्री ऑप्शन देगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा डायरेक्ट हमने यहाँ पे ट्रेड लिया और हमारा टारगेट आ गया, हमने एक्सिट किया, फिर भी आप देख रहे हैं कि वो सिग्नल ही कंटिन्यू चल रहा है, तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर हमें री एंट्री ऑप्शन देगा। री एंट्री मीन्स यहाँ पे देखिए, री एंट्री एट प्रेजेंट यहाँ पे वेट आ रहे हैं, तो री एंट्री मीन्स सॉफ्टवेयर में ये जगह पे एक एंट्री पॉइंट भी दिखाएगा एंड एक एक्सिट लेवल भी यहाँ पे दिखाएगा, तो वहाँ पे हम डायरेक्ट वो लेवल पे ट्रेड ले सकते हैं। तो इसी तरह एक ऑप्शन डायरेक्ट एंट्री के हिसाब से हमने ट्रेड लिया और वो टारगेट आने के बाद भी कंटिन्यू चल, ट्रेंड कंटिन्यू होगा तो डेफिनेटली वो सिग्नल भी कंटिन्यू चलेगा, तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर में री एंट्री ऑप्शन देगा। अदरवाइज अगर आपने एक डायरेक्ट एंट्री मिस किया तो वहाँ पे भी आपको री एंट्री के हिसाब से री एंटर कर सकते हैं वो सिग्नल पे। तो ये ऑप्शन यहाँ पे हमने दिया है, एंड यहाँ पे बीच पे जो एक लाइन जो आ रहा है ना वो ये रेड एंड ग्रीन लाइन, वो ट्रेंड लाइन है। रेड लाइन डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है, रेड लाइन डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है, ग्रीन लाइन अप ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। तो ये सिग्नल यहाँ पे मिलने के बाद 2-3 बार मार्केट ऊपर गया था, लेकिन वो कभी हमारा नीचे जो बार कंडीशन चेक कीजिए उसमें ज़रा सा भी चेंजेस नहीं हुआ। ये हमारा बार कंडीशन जब तक रेड है दैट मीन्स मार्केट अगेन नीचे ही जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल होगा तब जाके ये चेंज होगा, ये ट्रेंड कंफर्मेशन इंडिकेटर है ना वो चेंज होगा, तब आप चाहे तो एक्सिट कर सकते हैं, अदरवाइज स्टॉप लॉस लगा के वेट कर सकते हैं। सही साइड है कि अगर आप फ्रेशर है तो अगर आप ज़रा सा भी रिस्क उठाना नहीं चाहते तो जस्ट इस एरो आने के बाद कंफर्मेशन चेक करके आप ट्रेड लीजिए, एंड जैसे आपका लिवरेज, आपका जो ब्रोकरेज है ना वो उसके वो देखने के बाद आप एक प्रॉफिट लेवल में आएगा ना, वो प्रॉफिट लेवल पे आप एक्सिट कर सकते हैं।
तो इसी तरह भी आप फ्रेशर के लिए फ्रेशर्स वे से भी आप फॉलो कर सकते हैं सिस्टम को. एंड इज ऑल वर्किंग विद रियल टाइम, इसमें कोई भी डिले नहीं है. एंड स्पेशली मैंने कहा था फॉरेक्स में आपका लाइव अकाउंट होगा तो वो लाइव अकाउंट के अंदर ही हमें सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं. एंड ये सेम स्ट्रैटेजी आप सभी सेगमेंट में अप्लाई भी कर सकते हैं. एंड इसमें आप देख सकते हैं एक रेड स्टार्स हैं ऊपर एंड नीचे एक ब्लू स्टार्स आ रहे हैं, वो रेसिस्टेंस सपोर्ट लेवल है. नीचे जो आ रहे हैं वो ये सपोर्ट है. एंड ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं वो कैंडल ब्रेक हो रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक रिवर्सल की चांस है. ये जो रेड स्टार्स है ना वो रेसिस्टेंस लेवल है, वो रेसिस्टेंस को अभी ब्रेक होने जा रहे हैं, तो वहाँ पे रिवर्सल का स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का चांस है. तो इसमें एक और ऑप्शन आप देख सकते हैं, एक येलो लाइन आ रहा है, नीचे एक ब्लू लाइन है ना वो रेंज बाउंड इंडिकेटर है. ये लाइन के अंदर ही मार्केट चलते हैं, तो रेंज मार्केट के रेंज भी आप देख सकते हैं. एंड ओवरऑल ट्रेंड भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, हर एक टाइम फ्रेम में क्या क्या ट्रेंड चल रहा है ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं. तो ये फॉलो करना काफ़ी सिंपल है. एंड इसमें पूरा ट्रेनिंग सेशन आपको मिलेगा कैसे यूज़ करना है. नॉर्मल हमारा प्रोसेस अगर आप परचेस करना चाहते तो पेमेंट होने के बाद डायरेक्ट ये सॉफ्टवेयर, एक तो मैंने आपको कहा था आपका लाइव अकाउंट होगा तो उसके अंदर डाल सकते हैं, नहीं तो हमारा फॉरेक्स का अकाउंट के ऊपर आपको डायरेक्ट आपके सिस्टम में इंस्टॉल करके देगा. जो भी आपको डिपेंड्स अपॉन यू, अगर आप अपनी लाइव आईडी के ऊपर करना तो लाइव आईडी के ऊपर कर सकते हैं, नहीं तो हमारे आईडी के ऊपर डायरेक्ट आपके सिस्टम में इंस्टॉल करके मिलेगा. एंड मैंने अभी आपको दिखाया वो लाइव है. आप इसमें आप सॉफ्टवेयर के बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं या कुछ भी जानना चाहते हैं सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग एंड लाइव डेमो देखना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. माई नेम इज़ गंगा एंड 9061973737 ये नंबर ऑफिशियल है मेरा. एंड इसमें एक इसमें व्हाट्सअप भी है, इसमें आप मैसेज भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं. www.wintradersoft.com वो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें आप चेक कर सकते हैं. उसमें स्टॉक का फ्योरेक्स का सभी का रिव्यूज़ है, कस्टमर्स रिव्यूज़ वहाँ पे हमने अपडेट किया है रिव्यूज़ की पेज के अंदर. एंड वहाँ पे लाइव सपोर्ट का ऑप्शन है, उसमें भी आप आ सकते हैं. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.